कैसे हो सभी लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड स्टार वॉर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में और बात करेंगे डिज्नी एक्सपो के अपडेट के बारे में, जिसमें कि डे वन हो चुका है और डे वन में क्या क्या अपडेट थे, कौन कौन से डिज्नी के न्यू टाइटल्स आए, लाइव एक्शन मूवीज आई। तो अगर वो आपको वो वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो है स्टार वॉर्स की तरफ से। तो फाइनली दी मैंडलोरियन का सीजन 3 आ रहा है, जिसका ट्रेलर आपको डिज्नी एक्सपो में देखने को मिलेगा। जी हाँ, वो भी आज के दिन 10:30 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और रात को करीब 12:30 बजे तक चलेगा। तो अगर आपको सारे अपडेट जानने हैं फटाफट, तो मेरे को इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले पता चल जाए। और साथ ही साथ खबरें भी ये भी आ रही हैं कि मार्वल की तरफ से आपको बेवुल्फ नाइट का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, लोकी की न्यू फुटेज देखने को मिल सकती है, मार्वल्स की न्यू फुटेज देखने को मिल सकती है, एको की न्यू फुटेज देखने को मिल सकती है, और भी बहुत कुछ रिलीज होने वाला है। तो मैं क्या क्या कवर करूँ, मैं तो खुद कन्फ्यूजन हो गया। और ओवरऑल आज का वेट करिए, 10:30 बजे के बाद आपको सारे अपडेट क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं न्यू अपडेट्स के बारे में। तो फाइनली डे वन में हमें न्यू प्रोमो देखने को मिले, जिसमें कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लोगो देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कमाल का लग रहा है। और इसकी भी न्यू फुटेज या कास्टिंग डिटेल के बारे में हमें पता चलेगा डिज्नी एक्सपो में, जो कि आज रात होने वाला है। उसी के साथ डेडेविल बोर्न अगेन का न्यू लोगो अपडेट कर दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करी जाए मार्वल के गेम्स के अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्वल ने एक न्यू गेम अनाउंस कर दिया, जो कि होगा डेडिकेटेड ब्लैक पैंथर पर और कैप्टन अमेरिका पर। इसका कोई टाइटल अभी तक कंफर्म नहीं करा है, और इसकी जो टाइमलाइन होने वाली है वो होने वाली है वर्ल्ड वॉर की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की। और उसी के साथ मिडनाइट सन, जो कि एक और गेम आने वाला था, उसकी रिलीजिंग डेट कंफर्म कर दी गई है, जो कि है 2 दिसंबर, और आप इसको एपिक गेम स्टोर पर अभी से प्री परचेस कर सकते हो। अराउंड 3,000 रुपये का ये गेम है। अब बात करते हैं मोबाइल एंड्रॉइड्स गेम के बारे में। तो फाइनली मार्वल ने एक न्यू गेम और अनाउंस करा है, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ हीरोज, जो कि रिलीज होगा 2023 में। चलिए बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो स्क्विड गेम तो सभी ने देखी होगी, जिसमें कि मेन जो स्टार कास्ट थी ली जोंग, वो फाइनली स्टार वॉर्स की न्यू अपकमिंग सीरीज में आने एकोलेट, जो कि एक लाइव एक्शन सीरीज होने वाली है। और स्टार वॉर्स से रिलेटिव भी एक और काफी कमाल का अपडेट है, जो कि है अशोका से रिलेटिव। तो सभी ने स्टार वॉर्स रेवल्स तो देखी होगी, उसमें कैरेक्टर था एज़रा, जो कि मेरा फेवरेट था ये शो जब ये लॉन्च हुआ था इंडिया में। और फाइनली एज़रा को लाइव एक्शन कास्टिंग कर ली गई है, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं ईमान, और ये अशोका सीरीज में आपको फर्स्ट टाइम दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ रूमर्स के अपडेट के बारे में। तो बताया ये जा रहा है कि जो वंडर वुमन सीरीज आ रही है अपकमिंग डिज्नी प्लस की, वो रिलीज होगी 2024 में। और जो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिल्म आ रही है, उसमें आपको मून नाइट और लायला भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मार्केट में एक और तगड़ा रूमर चल रहा है कि जो अकाथा सीरीज आ रही है, उसमें आपको वॉन्ग भी देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कुछ कंफर्मेशन अपडेट के बारे में। तो लोकी सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है टीवी 14 एज रेटिंग्स में। गार्डियन गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल जो सीरीज आने वाली है, उसका एक एपिसोड रिलीज होगा, सभी को पता ही है। तो फाइनली रन टाइम कंफर्म हो चुका है कि जो पहला स्पेशल एपिसोड होने वाला है वो अराउंड 40 मिनट का होने वाला है। तो 40 मिनट में देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो गाइस, ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। उसी के साथ आज रात को 10:30 बजे आप एक्टिव रहिएगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज काफी सारे अपडेट पता चलने वाले हैं, तो जो भी होगा आप सबसे पहले इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा।